कहते हैं प्रभु श्री राम ने उनके जीवन का कुछ समय पुणे में बिताया था। हाउ नाइस इज दैट। ऐसी ही प्लेस को आज एक्सप्लोर करने मैं निकल पड़ी हूँ एक नए जर्नी के साथ और कुछ नए फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गो। गाइस वेलकम यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा आउटिंग का डे है, आज संडे है एंड मैं कृतिका और उसके कुछ रूममेट्स हैं, हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे आए हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखी होगी वो प्लेस, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया था। अभी मैं आपको वो प्लेस दिखाने वाली हूँ। यू कैन सी द व्यू ऑफ रामदरा टेम्पल, कितना सुंदर है ये। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि पुणे में, मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि पुणे में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है और वो आपको विजिट करने ही चाहिए इफ़ यू आर इन द पुणे। सो रामदरा इज़ वन ऑफ देम। बहुत सुंदर टेम्पल है, हम लोग अंदर नहीं गए, एक्चुअली हम लोग बाहर ही खड़े हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, दिस इज़ द वे, यहाँ से हम लोग वहाँ अंदर जा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से आए थे, एज यू कैन सी देयर, यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं एंड ये उसका एंट्रेंस है, ये पूरा ये। सो हम लोग उधर जाने वाले हैं। पुणे से नियरली अबाउट आपको आने में, अगर आप प्राइवेट आपकी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको एक घंटा तो लग जाएगा, लेकिन मेरे पास तो पता है आपको गाड़ी है लेकिन मैं इतने दूर नहीं लेके आ सकती, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। बस से हम लोग यहाँ पे आए एंड बस से हम सिर्फ लोनी तक आए हैं। लोनी से आपको फिर अंदर रामदरा टेम्पल आना है तो आपको ऑटो रिक्शा करनी पड़ेगी। हम लोग 5 जन थे तो 150 रुपीज़ लिए हमारे उन्होंने ऑटो के लिए, सो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो 150 रुपीज़ ठीक हो जाता है 5 जन में, लेकिन आप कम लोग हो तो थोड़ा बार्गेन करके आप उनसे बात कर सकते हो। सो गाइज, इस प्लेस के बारे में मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको, वो ये है कि मंदिर के अंदर आप फोटोज़ नहीं निकाल सकते हैं, वीडियोज़ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे भी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ये जो पूरा एरिया है बाहर का, यहाँ पे आप फ़ोटो निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो फाइनली टाइम आ गया है कि इस प्यारी प्लेस को बाय बोलने का एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस, ऐसा कहते हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जो हमसे हुई और मुझसे हुई स्पेशली। हम जिस ऑटो में आए उस ऑटो वाले का हमने नंबर नहीं लिया, ना ही उन ऑटो वाले भैया को हमने रुकने के लिए बोला था, तो फ़ोटोज़ निकालने में, घूमने में हमको बहुत लेट हो गया था एंड ऊपर से हमें वहाँ पे ऑटो नहीं मिल रही थी, बिकॉज वो थोड़ा अंदर है, अंदर की साइड है और वहाँ पे लोग मोस्टली अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे थे मोस्टली। तो लिटरली हमें वहाँ पे लोगों से लिफ्ट मांगनी पड़ी और हमें हाईवे तक आना पड़ा।
फाइनली इस सारे एडवेंचर के साथ हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। सो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को बताना मेरे चैनल के बारे में। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय।